बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त भारत की सूरत हाल आप जानते हैं क्या है? ये आपकी स्क्रीन पर जरा टिकर चले, इनको जरा गौर से देखिए। वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं, अबनॉर्मल हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। दोस्त, भारत हमेशा से रूस का रहा है। मोदी जफियां डाले पुतिन के साथ, और उसके बाद इस वक्त जो जंग हो रही है उस पर ये जो आपकी स्क्रीन पर टिकर चल रहे हैं ये आपको बताएंगे कि वहां पर चल क्या रहा है। भारत के अंदर इस वक्त ये कहा जा रहा है, उनके पूरे मीडिया पे, उनके जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो मीडिया पर आ रहे हैं, वो कैंपेन ये चला रहे हैं कि जिस तरह यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है, मोदी इस तरह आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हमला कर दे। और कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, गिलगित बल्तिस्तान, ये वो, ये सारा कुछ आजाद करके भारत में शामिल करें। अब आप इमेजिन कर लें कि वो खड़े कहां पर है। अगर इस सूरत हाल में देखा जाए तो इसका मतलब है कि उनको तो रशिया के साथ खड़े होना चाहिए कि रशिया जीते और यूक्रेन को वो अपने मुल्क में शामिल करे। अगर ये बात है तो फिर ऐसी सूरत हाल है, लेकिन वो क्या क्या रहे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि जीते यूक्रेन लेकिन मॉडर्न रशिया वाला अपनाना चाहिए। यानी आप इनके दिमाग देखिए और इनके मीडिया को देखिए, ये कितने जुनूनी है, कैंपेन चला रहे हैं पुतिन के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को और चाह रहे हैं कि जैसे पुतिन ने हमला किया भारत भी करे। देखिए वहां पर ये बड़ी सोच बड़े पैमाने पर पाई जा रही है। उन्होंने अपनी कौम का जहन मीडिया के जरिए तैयार किया है। इनसे सिर्फ इतना पूछा जाए, ये कहते हैं कि हमें अपने इलाके वापस लेने हैं। तुम सारी बातें छोड़ो, तुम लद्दाख वापस क्यों नहीं लेते? तुम अरुणाचल का बहुत सारा हिस्सा चाइना ले उड़ा, तुम वो क्यों नहीं वापस लेते? तुम जाकर एक्साइज चीन वापस क्यों नहीं लेते? तुम पाकिस्तान को छोड़ो फिलहाल, तुम एक काम करो, तुम जाकर चाइना जो भी उसने एक साल पहले किया तो वो तो वापस ले लो। यानी वो वापस लेने की बात नहीं करे, वो जो बात करेगा वो कहेंगे एंटी नेशनल है, क्योंकि राहुल गांधी वहां पर बात करता है, समाजवादी पार्टी वहां पर बात करती है और बहुत सारे बात करते हैं। अब वहां पर मामला क्या है? मामला इस वहां पर यह सूरत हाल है कि ज़ेलेंस्की ने इस वक्त मोदी को चूके डांटा और कहा है कि तुम रशिया के खिलाफ जाते क्यों नहीं हो? असल में ये चाह रहे हैं यूक्रेन जीते। ये क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि पुतिन इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। इनको पता है कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने इमरान खान तक पैगाम पहुंचाया है शाह महमूद कुरैशी के जरिए कि सरकार आप पुतिन को रोकें, ये जंग खत्म करवाएं। अब आप देख लें कि उसके बाद इनको पता है कि भारत से तो किसी ने पूछा नहीं। यूक्रेन का प्रेसिडेंट मोदी को कॉल करके कहता है कि यूनाइटेड नेशन में तुमने मदद क्यों नहीं की? भड़ गए तो तुम यहां पर मारकर गए हो, तो मदद क्यों नहीं की? अब सूरत हाल ये है कि इनके दिल लगे हुए हैं यूक्रेन के साथ, क्योंकि ये चाहते हैं। देखिए एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा, भारत में इस वक्त जंगी जुनून सर पर है और वहां पर कहा जा रहा है, और मोदी के इलेक्शन आने वाले हैं, उन्होंने अपनी कौम को चाइना पर हमले के लिए नहीं लेकिन पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार रखा है। अगर यहां पर याद रखिएगा, रूस किसी भी वजह से हार जाता है, उसको सेटबैक मिलता है, तो फिर उसके बाद अमरीका ने पूरा यूरोप, पूरा नेटो भारत को बैक करेगा और ये गिलगित बल्तिस्तान पर चढ़ाई के लिए लाजमी आएंगे। इनको अंदाजा इस बात का हो जाएगा कि अगर यहां पर हम जा सकते हैं तो वहां पर भी जा सकते हैं, और उसके बाद ये फिर ताइवान पर जाएंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में स्टेक्स किसके लगे हैं? देखिए अगर यूक्रेन के मामले के ऊपर यूरोप जीता है या पुतिन को शिकस्त होती है, तो फिर आप अपने दिल और दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा लें के अगला नंबर ताइवान और कश्मीर का है, और आप ये लिख के रख लें इन्होंने यहां पर हमला करना है, ये पीछे नहीं हटेंगे। देखिए इंटरनेशनल सतह पर जो स्टेज इस वक्त सजा हुआ है, पूरी दुनिया रूस के खिलाफ है, इसराइल रूस के खिलाफ, भारत, अमेरिका, पूरा यूरोप, आप जितने इस्लामिक ममालिक देखेंगे ये सारे के सारे आपको खिलाफ नजर आएंगे रूस के। अब यहां पर मामला यह है कि रूस का कमजोर होने का मतलब है कि चाइना कमजोर हो जाए। देखिए आज ये काम क्या करेंगे, इन्होंने स्विफ्ट की पाबंदियां लगाई हैं रशिया के ऊपर, ये ज़हन में रखिएगा, ये करने क्या जा रहे हैं, इनका मॉडल क्या है। इन्होंने उसके बाद पाबंदियां लगानी है पाकिस्तान के कश्मीर वाले हिस्से पर, यानी जिस तरह इन्होंने कहा है कि वहां पर पाबंदियां लगा दी और उससे कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा,
ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट। इन्होंने ये मॉडल दोहराना इसके बाद ताइवान में, कि ताइवान को कहेंगे कि तुम उसके साथ कोई जंग का माहौल बनाओ, उसके बाद सारे ममालिक वहां चढ़ दौड़ेंगे, फिर उसके बाद एग्जैक्टली ये मॉडल लेकर आएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और इस मॉडल के तहत इनके पास एक हरवा आ गया, ये पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करेंगे। देखिए रूस है बड़ा मुल्क, वो सर्वाइव कर सकता है, पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि हम अगर इंटरनेशनल पाबंदी इस तरह की लगती है हम सर्वाइव करें। हमारी प्रॉब्लम क्या रही है, देखिए इस वक्त जो गलती पाकिस्तान ने की वो भारत कर रहा है। हमने 74 साल कश्मीरियों को लारे पर रखा कि हम आएंगे आजाद करवाने, हम नहीं गए। अब इन्होंने भी यही काम किया है कि इन्होंने अपनी कौम को लगा दिया इस बात के ऊपर कि देखो चाइना जो हमारे इलाके लेकर उड़ा है कोई परेशानी की बात, हमने पाकिस्तान पर हमले के लिए जाना, ये आएंगे हमले के लिए। इन केस मिसाल के तौर पर यहां पर अगर रशिया जीत जाता है किसी भी वजह से, जो कि उसके चांसेस भी है क्योंकि वो इस वक्त किसी की सुन नहीं रहा, आपने पाबंदियां तो लगा दी, तो उसके बाद याद रखिएगा फिर मोदी पैनिक में आ जाएगा। फिर उसको पता है अगर सारे ममालिक मिलकर यूक्रेन को नहीं बचा सके तो भारत को भी नहीं बचा पाएंगे। भारत इस पूरी सूरत हाल में रिलाय नहीं करेगा यूएस के ऊपर, जिस तरह इस वक्त अरब वर्ल्ड रिलाय नहीं कर रहा यूएस के ऊपर। उनको पता है कि पहले तो ये मदद करने के लिए गए नहीं, अब प्रेशर के बाद अगर ये हथियार ये चीजें दे रहे हैं तो वहां से एटमी जंग का खतरा है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो मामला आ रहा है, इन्होंने पूरी तैयारी करके रखी है कि अगर किसी वजह से हम हार जाते हैं या कोई भी मामला होता है तो भारत फिर पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी क्रिएट करनी थ्रू टीटीपी बीएलए, जो पहले आपने कभी ना देखी, क्योंकि उसको पता होगा कि बड़े ममालिक तो मुझे बचा नहीं पाएंगे, मैंने इस लेवल से आगे होकर जाना है, यानी इस तरह मैंने जंग छेड़नी है कि वहां पर पहले से आग लगे और फिर मैं चढ़ दौड़ू। क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर भारत को पता चल जाएगा अगर यहाँ पर शिकस्त होती है तो फिर चाइना नहीं छोड़ेगा भारत को, वो फिर इसका बहुत बड़ा हिस्सा ले जाएगा। देखिए ये पूरी मेक और ब्रेक सिचुएशन इस वक्त पैदा हो गई है, यानी यहाँ पर आप अगर जीते हैं तो चंद ममालिक की फतह है, हारते हैं तो चंद ममालिक की हार है। इस सूरत हाल में ये पूरी की पूरी जंग डिसाइड करेगी कौन कहाँ पर खड़ा है, मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि इसी के बाद अगर यहाँ पर रूस जीत जाता है तो फिर उसके बाद भारत अपनी खैर मनाए, चाइना तो उसके इलाके नहीं छोड़ेगा, चाइना को पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पर शिकस्त दी जा सकती है। देखिए उसके बाद अफगानिस्तान की जंग के बाद अमेरिका कितना कमजोर हुआ, आप देख रहे हैं अमेरिका की आवाज कोई सुन नहीं रहा, पूरा यूरोप कमजोर हुआ। अगर यूक्रेन का प्रेसिडेंट उठकर बाइडेन को ये बात कह सकता है कि तुम्हारी पाबंदियां मेरा कोई फायदा नहीं करने जा रही, हथियार भेजो, हथियार जहाज भेजो, लड़ाई में करूं, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग तो वादे करके मुकर गए, मुझे धोखा दिया। आप देख रहे हैं 24 घंटे के बाद अचानक यूरोप ने हथियार भेजना शुरू किया, फाइटर्स जेट अब वो दे रहे हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दे रहे हैं, और इसके अलावा दूसरे तीसरे जितने मिसाइल हैं और ये तमाम चीजें स्टिंगर्स और ये बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। अब उसके बाद उन्होंने अगला स्टेप रखा है कि फौजें भेजे, इसराइल को भी कहा, पूरी दुनिया को कहा। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है इसको आप समझिए, अगर ये जंग का माहौल भारत ने इस वक्त अपने मीडिया के जरिए बना दिया है तो इसके बाद अगर रूस जीत जाता है तो फिर भारत परेशानी में, अगर नहीं जीता तो ये डेफिनेटली आ रहे हैं, याद रखिएगा, आजाद कश्मीर की तरफ, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, और उसके बाद शिकस्त इनकी होगी अल्लाह के हुक्म से, लेकिन ये लड़ाई करने आ रहे हैं, फिर ये रुकेंगे नहीं, और ये बात याद रखिए। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।